दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक और फ्रूट का ट्री लेके आया हूँ, कटहल का, जिसको जैक फ्रूट बोलते हैं। जैक फ्रूट का जो पेड़ बनेगा वो काफी फैलावदार होता है और उसमें बहुत सी शाखाएं निकलती है, काफी बड़ा ट्री बनता है इसका। इसकी छाया में हम और भी फसल लगा सकते हैं, जैसे काली मिर्च हुई, अदरक हुई या इलायची हुई, इस तरह की फसल आप इसकी छाया में लगा सकते हैं। और इसका फल जो होता है बहुत ही पौष्टिक होता है। इसकी फल की जब वो कच्चा होता है तब इसकी सब्जी बनाई जाती है और पकने के बाद इसमें और भी ज्यादा पोषक तत्व आ जाते हैं। ये पेड़ लगभग हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है जो वेल ड्रेन हो। इसकी एक किस्म खजवा है, पे जो फल है वो जल्दी पक जाते हैं। कटहल को बीज से ग्रो कर सकते हैं और उस पर बाद में ग्राफ्टिंग की जाती है। फरवरी से मार्च और अक्टूबर नवंबर में भी हम इस पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये पेड़ 15 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इसकी कुछ किस्म ऐसी होती है जिसके जो पौधे हैं वो छोटे रहेंगे लेकिन उन पे फ्रूट आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास इस तरह का पेड़ है तो उसमें आप ज्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो जुलाई के मंथ में आप इसमें गोबर की खाद और NPK से इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा उसमें जो खाद की मात्रा है वो आप बढ़ाते जाइए। जब इसके फल कच्चे होते हैं तब इसको सब्जी के रूप में इसके फलों को तोड़ लिया जाता है, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनका रंग जो है वो पीला हो जाता है और उनके जो कांटे हैं वो, उनका जो नुकीलापन है वो कम हो जाता है। इसके फल जब कच्चे होते हैं, जब अगर आप इसको किसी स्टिक से मार कर देखेंगे तो उसमें जो खटखट की सी आवाज आपको सुनाई देगी, यानी कि जो फल है वो कच्चा है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसकी आवाज में भारीपन आएगा, यानी कि पकने के बाद जब उस पर आप किसी स्टिक से मारोगे तो उसमें थप थप की आवाज आएगी, यानी कि जो उसका जो पल्प है वो पक चुका है। अगर पका हुआ फल ऊपर से नीचे गिर जाए तो वो फट सकता है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक ऊपर से तोड़ लिए जाते हैं। अगर आप कटहल को बीज से लगाते हैं तो ये 8 साल के बाद फ्रूट देगा और अगर आपने ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार किया है तो ये 3 से 4 साल में आपको जो फ्रूट है वो दे देगा। दोस्तों, इसमें जो कुछ बीमारियां जो लगती है, रोग लगते हैं प्लांट में, वो है तना भेदक, यानी कि इसके जो तना है ये, इसके अंदर एक कीट है वो इसके अंदर चला जाता है और उसकी जो सुंडी है वो उसके अंदर काफी हो जाती है। वो क्या करती है, तने को भी खराब करती है और जो ब्रांच है इन ब्रांचों के अंदर चली जाती है। उनके लिए आपको क्या करना होगा, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल या मिट्टी का तेल ले लें और उस जो होल के अंदर जो होल आपको दिखे उस होल को किसी वायर से या किसी चीज से पहले साफ कर लें और उसके अंदर उसके जो ड्रॉप्स है पेट्रोल के वो डाल दें और उसके ऊपर जो रुई है वो लगा दें या जो चिकनी मिट्टी होती है उससे उसको ब्लॉक कर दें, तो उससे क्या है जो वो कीट है वो मर जाएंगे। एक इसमें जो फल सड़न का रोग आता है वो होता है, उसमें क्या होता है जब कच्चा होता है फल तो उसका जो फल की जो डंडी होती है जहाँ से वो फ्रूट लगा होता है वहाँ से फ्रूट सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको जो ब्लू कॉपर है उसका छिड़काव मंथ में 2 बार कर दें तो उससे आपकी जो ये समस्या है वो पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ पे गड्ढा खोद लेता हूँ इसके लिए। ओके दोस्तों, जो गड्ढा है वो मैंने खोद लिया है। अब इसके अंदर हमें जो खाद है वो डालना होगा। एक मेरे पास क्वेरी ये भी आई थी कि इसकी जो ग्रोथ है जो हम प्लांट लगाते हैं उसको हम तेज कैसे करें, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो गोबर का खाद हम ऐड करते हैं उसके साथ हमें इसमें NPK भी डालना होता है तो उससे थोड़ी ग्रोथ तेज हो जाती है, लेकिन मैं वो यूज नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम वो कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम इसमें जो गोबर खाद है वो डाल देंगे। ओके दोस्तों, गोबर के खाद है वो हमने डाल दी है। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो NPK है वो डालना होगा। दोस्तों, एक प्लांट के अंदर मैं 1 चम्मच यूज करूंगा क्योंकि जो प्लांट है वो हमारा छोटा है तो इसके अंदर 1 चम्मच काफी है। ये देखिए, मैं इतनी NPK इसके अंदर डाल दूंगा। और इसको डालना कैसे है, इस तरह से स्प्रिंकल करना है और स्प्रिंकल करने के बाद जो मिट्टी है वो इसमें डाल दें और फिर इसको मिला दें। दोस्तों, इस तरह से करने के बाद आप 15 दिन के लिए गड्ढे को छोड़ दें और 15 दिन बाद उसमें प्लांट लगाएं। ओके दोस्तों, तो आज हम जो प्लांट है, हमने ये गड्ढा खोदा था, इसके अंदर ये प्लांट लगा देंगे। तो चलिए, इसके लिए पहले इसके जो पॉलीथीन बैग है इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भी जो रूट्स है वो निकल रही है और ये चिकनी मिट्टी है तो इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो साइडों से मैं हटा देता हूँ ताकि इसकी जो रूट्स है वो बाहर निकल आए और जो हमारा सॉइल है उसके अंदर जल्दी से ग्रो करे। ये देखिए, साइडों से मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा देता हूँ। इसकी साइडों की रूट्स है वो भी निकल आई है और जो नीचे की रूट्स है वो भी निकल आई है। तो अब मैं इस कटहल के पेड़ को इस गड्ढे में इस तरह से हम लगा देंगे और इसके बाद जो मिट्टी है वो हम डाल देंगे।
ओके दोस्तों, जो प्लांट है वो हमने लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो सोइल है उसको अच्छे से दबाना होगा, और इसके अंदर जैसे मैं एक पोर्ट टाइप में हमें इसमें इतना स्पेस बनाना होगा कि इसके अंदर पानी रुक जाए। देखिए इस तरह से इसको दबा दें। ओके दोस्तों, प्लांट हमने लगा दिया है। अब इसके अंदर हमने ऐसा कर दिया है कि इसमें अंदर जब हम वाटरिंग करेंगे तो पानी रुक जाए, ये ना हो कि बिल्कुल फ्लैट हो। फ्लैट होगा तो क्या होगा, जब हम वाटरिंग करेंगे तो साइडों में निकल जाएगा। इस तरह से एक गड्ढा सा बनाने से क्या है, प्लांट को पानी अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप NPK यूज़ करें और जो गोबर खाद है वो यूज़ करें तो उसको 15 दिन के लिए प्लांट को छोड़ दें। अगर आप खाली गोबर खाद यूज़ करते हैं फिर इतना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर आप सिर्फ मिट्टी डालकर प्लांट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप NPK यूज़ करते हैं तो उसको 15 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप प्लांट को लगाएं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।